नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ जैसे बना रखी है किसान ने, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, बहुत ही जैसे कामयाब कृषि के में कामयाबी जो कहते हैं ना, जिसको कामयाब चीज़ है वो चीज़ है ये एक सोलर से चलने वाला ट्यूबवेल है। और सबसे बड़ी बात यह है पोर्टेबल, मतलब आप इस सोलर पैनल को, मोटर को कहीं भी किसी भी जगह लेके जा सकते हो, अपना लगाया चलाया फिर वहाँ से हटाया फिर अपना घर पर ले जाओ शाम में। जैसे कई बार क्या होता है, वो सोलर की जो प्लेट है ये चोरी होने का भी डर होता है इनका, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी बात है ये आप अपने घर पर भी ये तैयार कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप चाहो तो अपने घर पर तैयार कर सकते हो। मैं ये भी बताऊँगा ये कहाँ का मिल जाती हैं, किस तरीके से तैयार हो सकती हैं, मैं आपको पूरी गाइडलाइंस दूंगा जितनी मेरे को पता है। और किसी भाई को और को पता हो तो मेरे को ज़रूर बताना इसके बारे में, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूंगा इसके साथ में वीडियो में लास्ट में। पूरा डिटेल समझाऊंगा कैसे क्या बनाना है। ये कोई ज़्यादा बड़ा जैसे दिखने का बड़ा सेटअप है लेकिन है नहीं बड़ा कुछ भी, इसके अंदर बहुत छोटी चीज़ है समझने के लिए। बस थोड़ी ही एक बार समझ में आई बात ख़त्म होगी। जैसे इसने भाई ने प्लेट लगा रखी है 4 × 12 और 14 प्लेट लगी हुई इसके ऊपर, और इस पर 5 HP की मोटर चल रही है। इससे भाई से बात करवाऊँगा क्या सोच कर लेकर आया था, क्या इसका फ़ायदा, क्या खर्चा है, क्या सारी डिटेल बताऊंगा। और मोटर कहाँ से ख़रीद सकते हो, प्लेट कहाँ से मिल जाएंगी आपने, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, एकदम बिल्कुल साधारण सी चीज़ है। सिंपल अपनी सोलर की पैनल की प्लेट होगी ये, और जैसे ये साथ में ट्रॉली बनी हुई इसकी, इस पर आप पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकते हो। और ये संदीप भाई जी हैं जो इसके ओनर हैं, जो इसने ले आए हैं, तो पहले इन तब बात करें पता लगाऊंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई जी आप ये जो ले आए हो सेटअप ले आए हो क्या सोच के ले गए, पहले देख बार ये बताओ। जी ये तेल ज्यादा महंगा हो गया था जी, अपने तेल के उसके देख का अपना कम खर्चा होगा इसमें, एक बार पैसा लगने के बाद फिर कम हुआ अंतर है अपना पैसा। चलो ये तो अच्छी बात है, देखो डीजल महंगा हो गया, आने वाले टाइम में तो महंगा हो गया और भी ज्यादा होगा, कोई भरोसा नहीं है। पर आप जैसे अभी लेके आए हो तो ये वाला क्यों लेके आए, क्योंकि आजकल तो फिक्स भी मिल रहा है। फिर ये तो जी मेरे कई जगह खेत होने के कारण अपने ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जी, इसकी पीछे अपने घर ले या घर भी यूज हो सकता है जी, गर्मिया में जिस जगह आप ले लाकर अपने मोटर। अच्छा अच्छा, मतलब अपना एड्रेस क्या था रियो? मेरा नाम संदीप जी सनो फ्रॉम चुदर गाँव बैसवाल जी। बैसवाल कला जी, आपके तो कलाकार माने साथ में, बैसवाल का नाम सुनते हैं वैसे ऐसे छुटा है, अच्छे आदमी है वैसे, टीचर बहुत ज़्यादा है इस गांव में, पहलवान जी भी। अच्छा चलो वो तो ठीक है, मतलब इसका जैसे गर्मी मतलब इसको इसका फायदा यो है आप एक जगह से दूसरी जगह दूसरे खेत में ले जाओ, ये नहीं वह फिक्स नहीं है यह चीज़ फिक्स नहीं जी। एक तो यो फायदा हो गया, बाकी आदमी के 3 जगह खेत है 4 जगह खेत है अपने कहीं ले जाओ। और जो आपने एक और चीज़ बताई, जब गर्मी में अपने घर पर ले जाएगा छोड़ दो, और 24 घंटे मतलब दिन में जब तक धूप है तब तक बिजली का मजा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट लो। अच्छा ये इसमें कितना लोड उठा ले ये सोलर पैनल पता लगाया होता आपने? 5 किलोवाट की चल रही जिस पर मोटर जी है। अच्छा 5 किलोवाट की एक मोटर चल रही है फिलहाल, तो मतलब ये बढ़िया धड़ल्ले चल रही है। अच्छा अच्छा, थोड़ा इसके बारे में समझा दो। इसका जैसे अब एक और फायदा है, जैसे ट्रैक्टर आपका चलता, अब तो ट्रैक्टर खड़ा हो गया लाकर खेत में छोड़ दिया आपने, आपने आराम से कोई नहीं ना, तो अगर डीजल डलवाते भी टूट फूट हो जाए इसमें। हाँ मशीनरी भी टूटेगी, मशीनरी का खर्चा अलग है, डीजल जो फूकने लग रहा है वो अलग है, बैठ के आना जी घर बैठ के जाना। ये तो वो बटे वाला काम हो रहा है। अच्छा अच्छा, आ जाएगा थोड़ा बताओ क्यों करके है जुगुर ये, एक तो ये पैनल हो गया, सोलर पैनल हो गया जुगुर, ये तो अपना कहीं पे भी बंदा ले सकता है। उसके बाद ये डिब्बी अपने आप आए हैं लगी लगाई डबल की, जैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर दो इनने। अच्छा ये कनेक्शन हो गए सारे के सारे, इसका वो हो गया जी। अच्छा ये भी एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर जी बिजली कितनी बना रहा है जी। हाँ हाँ, कितनी बिजली बना रहा है, ट्रिप करने के लिए एमसी होगी। इसमें कुछ सेटिंग क्या है ये चीज, अंदर आकर समझाओगे एक बार थोड़ा? अच्छा इन सेटिंग का काम पता है नहीं इसके बारे में। अच्छा वैसे ये करंट देख लो कितना हो रहा है उस हिसाब से चला दो। अच्छा ये बाहर ऑन ऑफ का है, ये बलख रखे जिन है आराम से। ठीक ठीक ठीक, ये बाहर भी स्टॉप का पॉइंट दे रखे इसका, और कहीं पर डोरी जो कुत्ता काट से डोरी आप कट मार देगा ऑटोमेटिक। खैर ये तो खूब मिल जाएगा कहीं भी किसी मार्केट में आप ले सको हो इस चीज को, मतलब किसी भी कम मार्केट में दिल्ली में खूब मिल जाए। जो सबसे बड़ी बात आजकल जो गवर्नमेंट ने एक चला रखा है ना सब्सिडी वाला प्लान, वो सोलर घर पर लगवावे हैं उनमें भी ये कामयाब हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि उन बंदों को सारा पता, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी अपना भाई जो इसका वो नारा वो आवा जी। हाँ हाँ हाँ, कन्वर्टर केबल ना उसने वो ला कर लिया अपने 4 बैटरी इधर
हाँ कन्वर्टर आ जाए इसका तो, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्टर। हाँ अच्छा, ये वाली लगा रखी है लूबी कंपनी की 35 की। अच्छा अच्छा, ये वाली प्लेट लगा रखी है, टेक स्पेसिफिकेशन इसमें देख लो, लूबी कंपनी की है ये सारी। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा कर रखा है दुकान। और ये सारा फोल्डेबल है सारा जी, फोल्ड। अच्छा जी, फ्रिज में स्थिर रहेगी जी यहाँ पर। अच्छा, बीच वाली स्थिर रहेगी जी, यहाँ ऊपर लिया इसके नीचे आ जाएगी ना, जिनो सबसे नीचे हुआ इसके ऊपर ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, वह दूसरी साइड से फोल्ड हो जाएगी। अच्छा मतलब, अच्छा एक बड़ी गाटरी लगा के इसके अंदर, ये वाली बड़ी लगा के गाटरी दे रखी है। और इसमें छोटी छोटी एक, या छोटी पीछे गई और छोटी नीचे गई, और चेन यह भी गाटरी है जी यारी। अच्छा जब भीतर बीच में छोटी गाटरी, ये बैरिंग चलागा इससे ऊपर बैरिंग, बीच का चैन चलाई। अच्छा, बड़ी गाटरी के बीच में छोटी गाटरी दे गई, बीच में तो बैरिंग चला दिया जिससे ये आगे पीछे जो फोल्ड करने में आसानी हो। और चेन लगा दी जो अपनी चेन आ, साइकिल वाली चेन कह लीजिए, मतलब हैवी हैवी है, बाइक वाइक वाली और भी ज़्यादा हो सकता हैवी है, उससे उस तक घुमा के वो यहाँ फोल्ड हो जाएगी चेन, ये रही इस पर लिपटती रहेगी चेन, और साथ के साथ ये पूरा फोल्ड होता चला जाए। अच्छा, हैंडल है इसका, ये इसका हैंडल है जी, बिना इसे घुमाओगे अपने आप फोल्ड हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ ये वो घुमाओगे तो एक दूसरे ने इकट्ठी करती आ जाएगी ना, चेन है सिस्टम है, गिरती आ जाएगी आपस में। ठीक 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 ठीक, वो चेन है ना उसने जो साइकिल वाला सिस्टम, वो चेन घूमती रहेगी अपने आप ऊपर नीचे चढ़ाता रहेगा। अच्छा, पूरा यो पोर्टेबल है यो, यहाँ तो घुमा उसको, यो उसका होगा बस सूरज की तरफ सोंदा, सूरज की तरफ किसे ना लगने ट्रैक्टर हो। हाँ हाँ, इसमें गल जाएगी जी दूसरी साइड। अच्छा, ये छेद बना दे इसमें बजूर, इन मत है दोनों से एंगल वर्क करनी, उस एंगल वर्क कर अपना छोड़ डाल रखी जी, इसमें डाल रखी है। हाँ 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 हाँ, इन दूसरी साइड में डल जाए जी। ठीक 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 ठीक, और नीचे जो ढांचा है ट्रेली का ढांचा, अपना इसमें कुछ लेना जी खेत में, भरोटे भराटे भी गिर लाओ। हाँ भरोटे भी रख लो इसमें, क्योंकि ये हाइट तो बनेगी इसकी, ये इससे नीचे तो आएगा नहीं, यो पूरा भी यहाँ तक रहेगा। और बीच में क्या है, जैसे मान के चलो गर्मी है या सर्दी है, अपने बीच में अपना फट्टे लगा के लोटने लेटने का बना लो, अगली साइड में टूल बॉक्स बना लो, सारी चीज़ बना सका बंदा घर पे। ये तो सिंपल एक ट्रॉली है, कोई भी बंदा बना सका इसी। अच्छा अच्छा, यह लूबी कंपनी की है भाई, ये यार लूबी कंपनी, ये गुजरात की है। अच्छा, यह मोटर है 5 HP की, 5 HP की लूबी की। अच्छा, यह भी वही देख लो, क्या 3.0 देखो, 3.7 किलोवाट, 5 HP की मोटर है यार, यह अपना कंपनी है कोई इंडस्ट्री का। एक मिनट पानी दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखाऊंगी, यो पानी का प्रेशर देख लो, 3 इंची का बैंड है जी। अच्छा, 3 इंची के बैंड में पूरा प्रेशर मार रहा है, 3 इंची का पाइप है जी, देख लो पूरा प्रेशर मार रहा है। यो हवा देख लो, 3 इंची के पाइप में पूरा प्रेशर कर रहा है। एक बार वो दिखाओ, आप आगे खड़े हो गए दिखाओ, एक बार प्रेशर डाउन हो जाएगा। यह चीज देखो भाई, इसमें जैसे इसके आगे आ गया ना तो प्रेशर डाउन हो जाएगा ट्यूबवेल का। मुन्ने भी आना पड़ा है, हो गया हो गया हो गया, देखो कती डाउन आ गया, डाउन हो गया है। अटो पाछे नटो, पाछे नटो, वो फिर बट गया। वो कर लो, हाथ लंबा कर दो, उस पर खड़े हो गए जब, हाथ लंबा कर दो जो, ना ना इस पर छा जरा नीचे वाले, नीचे छा नहीं चाहिए उस पर। हाँ हाँ, गट्टा है थोड़ा, हल्का हल्का गट्टा है। अटते तो पानी में फटक आ जाए एकदम, पूरी फटक में आओ पानी। अच्छा, यो कितने का बना है आपका टोटल, टोटल कितने का है? 3 लाख के करीब। 3 लाख के करीब का आ गया, मतलब 3 लाख एक बार लगाए, कितने दिन में पूरे कर देगा यो? पूरे तो जियो इसी टाइम से अगले साल तक कर देगा पूरे मेरे, मतलब गेहूं आपके पूरे हो जाएंगे। जीरी लगाऊंगा जिसमें भी चल लगा, गेहूं आदि मेरे पूरे हो जाएंगे। जीरी में इतना तेल फूके हैं जो किसान है, जीरी में तो मेरे हिसाब में लान में फ्री हो ले यो, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा लग रहा है, पैसा तो रिश्ता बढ़िया के चाहिए। नहीं नहीं, अगर मान लिया कोई बंदा घर पर बनाना चाहो तो बढ़िया सा, इसमें ना ना ना, समझ गया समझ गया समझ गया। जो ये फोल्ड होने वाला सिस्टम है इसमें देखो, ये यहाँ पे तो चेन सिस्टम चलने वाला बना दिया, जो गिरारी उल्टी चलेगी। अच्छा अच्छा, साइकिल वाला सिस्टम है, अब कुत्ते एक साइड काम करे दूसरी साइड ना काम करे।
ठीक 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 अच्छा अच्छा वो इधर कबावत वो उसने भीतर चली जाएगी वो भरने ना आ जाएगी। समझ गया ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा अच्छा या आगे देखो भैया गटरी या अंदर चेन होगी या नीचे रिया गटरी होगी इसके बीच में बैरिंग चलेंगे ये छोटे छोटे ये बैरिंग लग रही है ये अपने बैरिंग कहीं से भी खरीद सको आप लगा कर आराम से। और ये चीज़ ये पैनल तो जो अपने गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं सब्सिडी वाले जो बंदे जो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती जो अपने पैनल लगाओ सोलो ये तो अपना उन किसी पे ले लो ये तार तूर रिपेयर करना भी आसान है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो किसी कंपनियां खरीद सको आपको मतलब बनी समत है और अपना सेटअप घर पर तैयार कर लो और भी आसान हो जाएगा थोड़ा सीखने नहीं मिल जाएगा और बड़ी एचपी करना और ज्यादा बड़ी प्लेट हो जाएंगी किलोवाट के हिसाब में हो जाए जी। हाँ कितने किलोवाट की 3.7 किलोवाट की है भैया मोटर 5 HP जो भी हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मोटर नहीं उतार के 4 नट खोल गए एक बार थोड़ा बता क्योंकि कौन कौन से नट खुलेंगे मोटर के कोई से भी 4 नट खोल गए मोटर ने भी साथ में लेके जा सकते हैं। अच्छा अच्छा नीचे तो है ये यहाँ से खोल लगे जी 4 नट। अच्छा ये 4 नट खोल गए दूसरे खेत में भी ले जाएगा 4 नट कस जी उल्टे ये टटका दबाया और चल पड़ेगी उल्टी मोटर अन्य मोटर भी बार बार ना खरीदे हजार चीज नहीं खरीद मेंटेनेंस फ्री है बिल्कुल कुछ भी ना जी इसमें चले जाएगी जी नो चले जाएगी मतलब फायदे फायदे का काम है नुकसान जी कुछ भी काम बड़ा सही दिमाग लाया जी आपने तो ये ले भाई नंबर है टोल फ्री नंबर लूबी कंपनी का कॉल करके अपने मोटर के बारे में पता करना चाहो तो पता कर सको। अरे ये पानी देख लो सामने चल रहा है इन दिनों में कितना के पानी चल रहा है मतलब ये क्या कर रहे हैं टाइमिंग के ही बाल में जैसे बिजली बनाने की बाल में कितने 8:30 चला दी थी जी। अच्छा 8:30 चला दी थी 8:30 चाल की मतलब सूरज का थोड़ा चमका लग गया। हां मैं जब स्टार्ट कर दिया अपनी चाल पड़ी थी। अच्छा अच्छा कम से कम 5 5.5 दिन चल रही मतलब चलो तो आजकल तो दिसंबर है जनवरी थोड़ा इसमें ठंड भी है जो आगे मार्च अप्रैल मई आओगी जब तक मानो 12 घंटे तो चल रहे चलेगी 5 6 तो चल रहे चलेगी यार 7 बजे तो काम रहा है जी गर्मिया में तो हर तड़के 6 बजे के 5:30 बजे का धूप निकल रही है चल पड़ेगी शाम तक तो 12 घंटे तो चले चलेगी तो कुछ हो जाओ तो कम कुल मिला के फायदे की चीज है कोई नुकसान नहीं एक बार पैसा लगा के छोड़ दिया भाई ठीक है फोल्ड वाला नहीं बनाना चाहता अगला बंदा जैसे ट्रोली में वैसे एक एक प्लेट ले आकर रख लो उसमें थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी आदमी की और कुछ नहीं है ट्रैक्टर पीछे जोड़ी अपने चल दिए घर पर सीधे छतरी लाग रही है पैनल ना खुल पंता। अच्छा ट्रैक्टर साथ जुड़ी जुड़ी खड़ी रह गया। हाँ यार विषय का वो पैनल उधर छतरी हट जाए तो पैनल खुल जाएगा प्रॉपर छतरी लग गया पैनल ठीक 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 और गर्मियाँ में छतरी ट्रैक्टर में छतरी की ज़्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि छतरी ऑलरेडी इसके नीचे है अपना नीचे बेड बना लो आराम से छोटा पंखा था और भी कुछ चला ले तो छोटा कूलर धरोगे ले भाई भाई ने मतलब बताया ना यहाँ भाई देख रहे ना जी सही है यहाँ पे कूलर रखूंगा जी चाहे उस साइड में रखूंगा। हाँ फिर छोटी पल्ली ऐसे तान ली जी इस पर। हाँ कूलर के अंदर ठंडी ठंडी हवा लेगा जी अपन जी हाँ। और दूसरी बात जब चाहो तो पानी एक पानी की मोटर भी ले पंप भी धर लिया छोटा। हाँ दो बाल्टी ठाकूर ना 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 एक छोटा पंप धर लेना उससे क्या हो जो पल्ली में पानी घेरे तो वो और भी ठंडी रहेगी एसी वाला से जो पहले नहीं घेरा करते पल्ली 3 लाख रुपये। हाँ जी सारा जो बड़ा कभी काम करेंगे एसी वाला मतलब कुल मिला के एक बार पैसा ला दो गर्मिया में। हाँ एक तो जो गर्मिया में खेत में पड़े रहे हैं लू चल रहे हैं उन तो बचाव मिलेगा अपना आराम से सुख शांति आदमी देखो कि सुख शांति चाहिए किसान ने सब ने चाहिए जी मेहनत कर रहे हैं फिर नुकसान बचा रही है डीजल बच गया मशीन का जो घिसाव था वो बच गया सारी चीज बच जी। एक बार पैसा लगाना उसके बाद कोशे खेत में कहीं भी ले जाएगा आप इसने यूज कर सको हो डीजल तो जी ट्रैक्टर चला दिया मैंने तो खप गया तो खत्म हो तो मेरे पास दोबारा आना नहीं। हाँ या 1-1.5 साल में मेरे पैसे क्लियर कर देगी कि ये प्लेटा ही वारंटी भी तो 25-25 साल की
25 साल की तो पता प्लेट की वारंटी है, वैसे खराब होगी नहीं, टूट गई तो देखो उसका कुछ हाँ ना देखो समझदारी तो हर जगह चाहिए। साल के बाद जी मेरे को बचत दिल ना जाएगी, तेल की मानो चाहे कैसी तेल की बचता आएगी। देखो 1.5 साल में आप इसकी कीमत पूरी कर लोगे, उसके बाद ये कबाड़ के भाव मान के चलो बेचो भी, वो भी तो बचत है आपकी। नहीं नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं देखो मिनिमम कति कम से कम की बात करके मान के चल रहे हैं, तो एक का सीजन की बात है, एक सीजन के बाद ये फ्री हो जाएगा। ये चलो जी धन्यवाद आपका, बैठवाल के सुने थे बहुत दिमाग लगा रहे मास्टर जी ने, विचार ले लो। अरे के फायदा लग गया जी आपने इस मशीन का? भाई बहुत फायदा है, डीजल का रेट तो बहुत महंगा हो गया, तो इसमें तो भाई फायदा है फायदा है। अगर खुद की जमीन है जिस आदमी का, तो उसको लेने में बहुत फायदा है। खुद की भी है जी, फिर जैसे मान लो मालिक किराए भी वो है तो डीजल खर्चा तो सबका है जी। है जिसका कम जमीन है उसको तो क्या फायदा है, 2 किले है जिसके, 4 किले है उसको तो क्या फायदा है 3 लाख रुपए लगाने वाला। जिसका अच्छी जमीन है या बात जैसा जगह अच्छी वो है उसने तो इसमें बहुत फायदा जी। देखो 2 किले वाले न्यू फायदा है, गर्मी में अपना बिजली का बिल बचा होगा भाई, वाली बात है भाई, एक अपना एसी घर पे चलाओगे 3 लाख रुपए लग गए भाई, उसमें तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है 2 किले वाले। अच्छा 3 और ज्यादा मतलब खेती के हिसाब से फायदा नहीं हो, छोटी ले आओ तो जैसे 2 लाख की भी आ जाए 9 प्लेट वाली, 2 लाख 10 हजार की तो और भी छोटी भी आ जाए, लेकिन ये जो 5 स्पोर की मोटर चल रहा है जिसके बढ़िया कैरी है उसने लेने में फायदा है। अच्छा फायदा ही फायदा है कुल मिला है भाई, डीजल का रेट बहुत महंगा है। अरे फिर आगे भरोसा नहीं है ना जी, डीजल का रेट कौन सा है पक्का ही इतना ही रहेगा। लाइट जिके पर 6 घंटे आओ 8 घंटे आओ है या तो गर्मी में मिनिमम 12 घंटे तो चल रही है, मतलब अपने हाथ का काम है, न्यूनिक बिजली का लाओगी सप्ते आओगी। ज्यादा सुविधा करनी हो जिसने अपनी बैटरी ले ली रात को भी, जैसे कई भैंस ले रहा है उन पर कूलर चलाना है पंखे चलाने हैं तो उसमें फिर एक और सुबह था जमीन हालात जो माने चलो 2 बैटरी इसमें रख भी ले, 4 बैटरी धर दो वो चार्ज भी हो जाएंगे दिन में, रात ने माने चलो खेत में आप काम करो हो सोना है अपने वहीं इसमें चलता फिरता घर हो गया तो किसी किस्म का देखा जाता बिल्कुल बिल्कुल वो तो है। बाकी ये बहुत फायदे वाली चीज है, अगर परमात्मा की तरफ से कोई आपदा ना आवे, जैसे पीछे 3 बार आ चुकी है, पटना में भी आई थी, एक वो भूटान में भी आई थी, वो जैसे सूर्य की एक ऐसा होता है कोई सिस्टम वो उनको खराब कर देता है। अच्छा अच्छा वो आपदा बताओ, नहीं तो ये 25 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक देखा है, देखो नेचर की आगे तो किसी की चलेगी नहीं, प्रकृति की आगे किसी की नहीं चलेगी जी ना, तो बाकी ये बहुत फायदा है इसमें, जब डीजल चलता है नहीं तो फिर फायदा है। एक तो संदीप भाई ने तो काम ढूंढना पड़ा है के करूं एक और चीज है ना जिसमें शांति भी है, जिस पट्टे की लाइन में लेनी सुबह एक चीज और समझो ना, यो पटपट सा बदन काना ने फोड़ दे सांस दे रात ने सोती आना ट्रैक्टर चलता पावे दिमाग में भी तो ऐसा है, कुछ दूर मान ले टेबल अंदर है रास्ता नहीं है उधर जाने का तो अपनी डोरी लंबी ले आओ भाई वो भी काम दे देगी। हाँ वो भी डोरी लंबी लग जाएगी, 1.5 किले तक की डोरी काम दे जिसमें। अच्छा 1.5 किले तक की डोरी काम दे, चलो वो तो एक अलग चीज़ है जी। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी अच्छी चीज़ आपने बना के लेकर आए हो, बड़ा सही दिमाग लगाया है। तो वही हो था भाई, जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। हाँ किसी भाई को ऐसी कोई और भी कोई पता हो इसके बारे में कुछ नॉलेज पता हो तो भाई मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप पर 9460 34520 नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप ऐसी कोई भाई ने दिमाग लगाया हो अपना बड़ा अच्छा तरीके से जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं और भविष्य के लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं तो आप बता सकते हो, ताकि मैं किसान भाइयों को बता सकूं और किसान भाई अपना लाभ उठा सके इन चीज़ों का। चलो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना शेयर करना, थैंक यू दोस्तों।